एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एलिमिनेशन मेथड। ये कह रहा है कि अगर ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है अगर इसका सॉल्यूशन होता है तो आपको क्या करना है, अल्जेब्रिक मेथड से इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अल्जेब्रिक मेथड में थ्री टाइप्स के होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फर्स्ट वन क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। ओके, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, सी हैज टू पे 1000 रुपीज एज हॉस्टल चार्ज, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज 1180 रुपीज एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डेज। यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि हम हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में रहने का अपने को फिक्स चार्ज देना पड़ता है, लेकिन फूडिंग की बात अगर करें तो फूडिंग का पर डे के हिसाब से अपने को चार्ज देना होता है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है ए जो 20 डेज का हॉस्टल में रहता है तो फूडिंग चार्ज फिक्स चार्ज के साथ 1000 रुपीज पे करता है, और बी जो है वो क्या करता है 26 डेज रहता है फूडिंग चार्ज के साथ, फिक्स चार्ज के साथ उसका 1180 रुपीज पे करना होता है। तो इसका फिक्स चार्ज और फूड चार्ज पर डे के हिसाब से फाइंड करना है। आइए हम देखते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट टू बी फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स एंड फूड फॉर पर डेज, फूड पर डेज इज इक्वल टू रुपीज वाई ले लो आप, ठीक है, चार्ज फॉर फूड, चार्ज फॉर फूड, ठीक है ना, पर डेज का वाई। अभी यहां पे देखना फॉर ए स्टूडेंट, स्टूडेंट फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि वो 20 डेज रहता है, ठीक है, सो फिक्स चार्ज तो हमको देना ही पड़ेगा और पर डे के हिसाब से y रुपीज फूडिंग का हमको देना है, तो कितना हो जाएगा 20y, ये टोटल कितना पे कर रहा है अपने को 1000 रुपीज पे कर रहा है, ठीक है। अगेन सेकंड वन आपका, अगेन देखना सेकंड वन कंडीशन कह रहा है कि बी है, फॉर बी स्टूडेंट लिख दो, फॉर बी स्टूडेंट, ये क्या करता है कि 26 डेज रहता है तो इसको पे करना होता है कितना 1180 रुपीज, सो फिक्स चार्ज तो हमको देना पड़ेगा और वन डे के हिसाब से अगर हम वाई रुपीज देते हैं तो 26 डे के हिसाब से कितना देना पड़ेगा 26y इज इक्वल टू 1180 रुपीज, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। अभी आप देख लो, आप यहाँ पे इसको रफ मैं कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखो एक्स और एक्स इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें तो इसको सॉल्यूशन करने का सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे जो लागू हो रहा है वो एलिमिनेशन का, क्योंकि यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में एक्स का कोएफिशिएंट 1 है और इक्वेशन सेकंड में भी एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, सो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ, फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना, इसको लिखेंगे सब्सट्रैक्ट फ्रॉम, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड माइनस वन वी हैव, ठीक है, यहां पे देखिए तो सेकेंड आपका है x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180 एंड x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, हम माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा हमारा, कैंसल, यहाँ 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, सो y विल बी 180 बाय 6, कैंसल हुआ हमारा यहाँ पे 30 टाइम, y विल बी कितना हुआ हमारा 30। अब इक्वेशन 1 में यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो तो 1 आपका है x प्लस 20y इज इक्वल टू 100, क्लियर, x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000,
सो एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 1000। सो एक्स इज इक्वल टू, साइड चेंज हो रहा है इसलिए साइन भी चेंज होगा, सो प्लस था तो माइनस, इम्प्लाइज यहाँ पे 400। एक्स इज इक्वल टू कितना है अपना 400। अभी हमने क्या लेट किया था, फिक्स चार्ज हमारा एक्स था और पर डे फूडिंग का चार्ज कितना था वाई। तो आप यहां लिख सकते हो हेंस फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल, फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल एक्स इज इक्वल टू 400 रुपीज फोर, एंड फूड पर डे फूड चार्ज, पर डे फूड चार्ज y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा रुपीज 30। सो दिस इज द आंसर। ओके।